हाँ तो दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम JSW एनर्जी के स्टॉक का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि अब आपको JSW एनर्जी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जब आपको कोई भी बिजनेस समझना हो या किसी भी कंपनी के बारे में जानना हो तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, JSW एनर्जी एक पावर जनरेटिंग कंपनी है जो पावर को प्रोड्यूस करती है और उसके बाद वो पावर को वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि जो रिटेल लोग होते हैं या फिर जो कॉरपोरेट फर्म्स होती हैं वहाँ पे वो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि वो पावर को फिर बेचते हैं। अब देखिए, इसके अंदर जो नॉर्मल हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो तो है, ये जो सोलर एनर्जी हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गया, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। जैसे अडानी ग्रीन एनर्जी हो गया, फिर उसके अलावा टाटा पावर हो गया, तो ये इसके मेन कंपिटिटर्स हैं। अब ये देखिए, 27,574 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप स्टैंड अलोन बेसिस पर इस कंपनी के रिजल्ट अगर आप देखोगे तो 148 टाइम्स पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और कंसोलिडेटेड बेसिस पर यहाँ पे 34 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। तो देखिए, कंसोलिडेटेड बेसिस पर भी यहाँ पर आपको देखना चाहिए, क्योंकि इसमें बिजनेस के जितने भी एक्टिविटीज होती है तो उससे हमें आइडिया लग जाता है। और अगर प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो 2.37 टाइम्स का यहाँ पे कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखोगे तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आपको थोड़ा कॉस्टली मिल रहा है। लेकिन देखिए, जो मार्केट में सबसे महंगा शेयर अगर ग्रीन एनर्जी के अंदर अगर कोई है तो वो है अडानी ग्रीन एनर्जी। इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो अराउंड 200 से भी ज्यादा है, तो उसके कंपेरिजन में तो आपको सही वैल्यूएशन पे ये स्टॉक अभी मिल रहा है। अब देखिए, अगर आप देखोगे तो 2019-20 में अगर हम देखें तो वहां पर मार्च का जो लास्ट वाला मंथ था तो उसकी वजह से अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू कम हुआ है, बाकी उस साल प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बड़ी थी। लेकिन अगर 2021 वाले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू अगर आप देखोगे अराउंड 20% गिरा है, और जिसमें जो लास्ट के दो क्वार्टर्स हैं, यानी कि अगर हम बात करें जो लास्ट के दो क्वार्टर, यानी कि Q3 और Q4, जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर की अगर हम बात करें तो वहां पे कंपनी का रेवेन्यू बहुत कम हुआ है, और उसका रीजन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे Q3 और Q4 में इकोनॉमी अनलॉक भी हो गया था, वहां पे कोविड के ज्यादा इश्यूज भी नहीं थे, जहां पे दूसरी कंपनी अच्छे से परफॉर्म कर रही थी वहां पे JSW एनर्जी अच्छे से परफॉर्म करता हुआ नजर नहीं आ रहा था। अब इसका जो प्रमोटर होल्डिंग है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि एक मेन रीजन वो भी है जिसकी वजह से ये आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए, 100% में से 74% का होल्डिंग सिर्फ प्रमोटर्स के पास पड़ा हुआ है, और उसके बाद अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो उनके पास 5.55% का स्टेक पड़ा हुआ है, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जिसके अंदर हमारे म्यूचुअल फंड और जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास यहाँ पे 7.17% का स्टेक पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मोटा मोटा 88% का स्टेक यहाँ पे बड़े लोगों के पास पड़ा हुआ है। तो उससे यहाँ पे देखा जाए, अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जिसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे उनकी इनकी जो कंपनी की मैनेजमेंट है उससे उनकी अच्छे से बात होती होगी और उनको यहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ स्टोरी यहाँ पे नजर आती है। और देखिए, रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन कम है, अराउंड 12% का ही यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन है, तो मार्केट में जो सर्क्यूलेशन है वो यहाँ पे कम है। अब ये देखिए, मैं रेवेन्यू की बात कर रहा था, तो ये देखिए, सितंबर 2020 में अगर आप देखोगे 1938 करोड़ की कंपनी की टोटल सेल्स थी, और वहां पर अगर आप देखोगे अगले क्वार्टर में वो रेवेन्यू वहां पे कंपनी का कम हुआ, और वापस अगले क्वार्टर में थोड़ा सा रेवेन्यू अगर दिसंबर वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो वहां पर फिर से कंपनी का रेवेन्यू कम होता हुआ नजर आया, और जिससे आप देख सकते हो कि क्लियर कट वहां पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर भी हमको असर पड़ता हुआ नजर आया। देखिए, तीनों क्वार्टर्स में अगर आप देखोगे, दोनों सिक्वेंशियल क्वार्टर में यहाँ पे कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम होती हुई नजर आई है, और देखिए वो सीधी सी बात है कम होगी, क्योंकि अगर आपका रेवेन्यू अगर 5-6% से अगर आपका रेवेन्यू कम होगा तो आपके एक्सपेंसिस तो उतने रहने वाले ही है, तो सीधी सी बात है कि वहां पर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती हुई नजर आएगी। अब देखिए, अगर हम रिटर्न ऑन नेट वर्थ की अगर हम बात करें तो ये कंपनी का रिटर्न ऑन नेट वर्थ यहाँ पे बहुत ही
कम है। तो ये देखिए सिर्फ 5.48% का यहाँ पे रिटर्न ऑन नेट वर्थ है। देखिए अभी कोविड की वजह से हम कह भी सकते हैं कि अभी इस साल कम रहा है, लेकिन 1920 वाले फाइनेंशियल ईयर में भी 9.44% का ही कंपनी का रिटर्न ऑन नेट वर्थ था। तो देखिए अभी आने वाले टाइम पे यहाँ पे मार्जिन परसेंटेज कंपनी के बढ़ सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ यहाँ पे अच्छी खासी नजर आती है और पावर सेक्टर तो जनरली आगे आने वाले टाइम पे अच्छे से ग्रो होता हुआ नजर आता है। तो मेरे ख्याल से मार्केट ने उस चीज को पहले से ही थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करा लिया है। अगर यहाँ पे उसकी बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो वो यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले रीजनेबल है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर इंटरेस्ट पेमेंट यानी कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है कंपनी का, उस पर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करते हैं। तो रिटर्न कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे अच्छा नजर आता है। अगर रिटर्न ऑन एसेट्स की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी कैलकुलेट होता है, तो वो भी यहाँ पे हमको गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखिए अगर हम मेन प्रॉफिटेबिलिटी का जो मेन आपको मैं एक और चीज बता रहा था, अगर हम मेन प्रॉफिटेबिलिटी जो कंपनी की कम हुई है उसका एक और रीजन है, वो ये है कि कंपनी अपना डेट लगातार कम कर रही है। देखिए 0.78 का डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का 19 में था, फिर वहां पे 0.7 कम हुआ और यहां पे अगर आप देखोगे 0.21। तो देखिए अगर यहां पे कंपनी लगातार अपना डेट कम करती है तो वहां पे जो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वही डायरेक्ट वहां पे कंपनी के नेट प्रॉफिट में दिखते हुए आपको नजर आएंगे। तो वहां पे जो कंपनी टैक्स पे करेगी और इंटरेस्ट पेमेंट नी के बराबर वहां पे कंपनी का होगा। देखिए डेट यहां पे अगर लगातार कंपनी का कम होता है तो भी वो भी एक पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि अगर आप अडानी ग्रीन को देखोगे जो इतने प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है उसका डेट बहुत ज्यादा है, तो उसके कंपैरिजन में अगर इस कंपनी का डेट लगातार कम होता है तो मार्केट इसे और प्रीमियम वैल्यूएशन दे सकता है। अब देखिए 167 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और 177 का इसका ऑल टाइम हाई है, तो ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक अभी आपको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए अगर आप देखोगे आने वाले टाइम पे पावर सेक्टर अच्छे से ग्रो होता हुआ नजर आता है, तो पावर सेक्टर के अलावा जो ग्रीन एनर्जी की डिमांड है, तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये सेक्टर अराउंड 25-30% की ग्रोथ दिखा सकता है। अभी जो मैंने सुबह केमिकल्स की जो हिमाद्री केमिकल्स की वीडियो बनाई थी, तो वहां पे केमिकल सेक्टर में भी इतनी ग्रोथ यहाँ पे एक्सपेक्ट की जा रही है। लेकिन देखिए कभी कभी क्या होता है, जो ग्रोथ एक्सपेक्ट की जाती है मार्केट उस स्टॉक को पहले ही ऊपर लेके चला जाता है, और जब कंपनी के रिजल्ट आते हैं, जब जो एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपनी का आता है, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है। तो अब यहाँ पे एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए अगर आप स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टेड रहिए, क्योंकि जैसे टाटा ग्रुप हो गया तो वैसे ये भी JSW ग्रुप से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे JSW स्टील की अगर हम बात करें तो उन्होंने हमेशा जो मार्केट को जो बोला है वो उन्होंने डिलीवर किया है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि JSW एनर्जी के अंदर भी जो चीजें यहाँ पे कही जा रही है कि आने वाले टाइम पे अच्छी ग्रोथ यहाँ पे पॉसिबल है, तो मेरे ख्याल से JSW एनर्जी वो डिलीवर करता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पे कौन सी इन्वेस्टर ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो देखिए कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर यानी कि मीडियम रिस्क वाले और एग्रेसिव इन्वेस्टर जो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं उन्हें ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि देखिए कभी क्या होता है कि कोई अगर सपोज इनके जो एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे अगर इनको ग्रो करना है तो इनको एक्सपेंस इनका ज़्यादा ही रहता है, टाटा पावर का भी एक्सपेंस नॉर्मली ज़्यादा ही रहता है, तो इनके जो एक्सपेंसेस अगर वो कभी ज़्यादा हो जाते हैं और ये बाई चांस लॉस में भी आ जाते हैं तो मार्केट उसे बहुत ही नेगेटिव वे में ले सकता है। तो यहाँ पे आपका जो रिस्क प्रोफाइल है मॉडरेट और एग्रेसिव होना चाहिए, तो ही आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कॉल लेना चाहिए। दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको JSW एनर्जी के शेयर के एनालिसिस के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।